ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर आपके मंदिर में एक से ज़्यादा भगवान है तो भगवान को भोग कैसे लगाएं? कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनके रहने से घर में वास्तु दोष नहीं होता, जैसे सुपारी। घर के मंदिर में सुपारी रखने से रोग नहीं होता, क्योंकि सुपारी को गजानन का रूप माना जाता है और देवताओं के ऊपर कभी कटी हुई सुपारी नहीं रखनी चाहिए, यहाँ तक कि कटा हुआ फल नहीं चढ़ाया जाता। जैसे महादेव को तोड़ा हुआ नारियल नहीं अर्पित किया जाता। हाँ, आप दरबार में नारियल फोड़ सकते हैं, पर फोड़ कर नारियल नहीं चढ़ा सकते। कभी कभी लोग को लगता है कि हमारे मंदिर में कई देवी देवता बैठे हैं, तो उनके लिए क्या अलग अलग थाली का भोग निकालें? तो नहीं, भगवान के लिए एक ही थाली का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वो भोजन जूठा नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवान तो हमारा भाव ही स्वीकार करते हैं। अगर उदाहरण लेकर समझें तो जैसे किसी फूल को लेकर जब हम उसकी खुशबू लेते हैं तो हमारे नाक में उसकी खुशबू जाती है, पर उस फूल का वजन कम नहीं होता। यदि फूल को सूखने से पहले और सूखने के बाद तौल दिया जाए तो भी उसका वजन उतना ही होगा, कम नहीं होने वाला। उसी प्रकार से जब पदार्थ को थाली में रखा जाए तो परमात्मा भोजन की खुशबू लेते हैं और दाल चावल रोटी उतनी की उतनी ही रह जाती है। तब हम ये बिल्कुल नहीं सोचे कि भगवान ने तो हमारा भोजन स्वीकार ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं और भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है और भाव से जो भजते हैं मुझे उनका भाव से बेड़ा पार है। भगवान को भोग लगाने से तीन चीज़ें मिलती हैं, सत्य, समर्पण और शांति। हर हर महादेव।